अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नाइटमेयर ऑटोस। बड़ी देर हो गई है मुझे चैनल पे कुछ पोस्ट किए हुए एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट सिचुएशन। बस कुछ ये थी, कुछ हद तक मैं लेजी था एंड कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स नहीं खत्म हो रहे थे। एक आपको पता है रेड वाली K70 है, उसके ऊपर बहुत टाइम लग रहा था, मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। खैर उसके अलावा भी बहुत ऐसी मसरूफियात थी जिनकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर सका, लेकिन इंशाल्लाह आज से दोबारा अपना अपलोड शेड्यूल सेट करना है। अभी मैं अपने घर तो नहीं खड़ा, मैं खड़ा हूँ एक बड़ी फेमिलियर लोकेशन पे, वेलेंशियो वाले टोटल के पंप खड़ा हूँ, क्योंकि एक मीट की कॉल आई थी कल रात एंड आपको तो पता है कार मीट्स के लिए आपका भाई ऑलवेज रेडी। एंड अभी जो रौनक इधर लगी हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह एक से बढ़ के दूसरी बिल्ड आई हुई है, ऐसा ऐसा आपकी हाइप बढ़ाएंगे, तो स्टे विद मी। मैं इंशाल्लाह इंट्रो के बाद से मैं गाड़ियाँ दिखाना स्टार्ट करूँगा एंड फिर थोड़ी सी गपशप हम और भी लगाएंगे। उसके बाद इन्होंने क्रूज श्रूज पे भी निकलना है, ऑब्वियसली क्रूज पे भी इन्हें ज्वाइन करेंगे हम, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, मेरा नाम है उमर और मैं बनाता हूँ कार रिलेटेड कंटेंट। मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे कार रिव्यूज़, कार प्रोडक्ट रिव्यूज़, कार सेल परचेज, कार इंस्पेक्शन, कार रेस्टोरेशन और बहुत सारा ऐसा कॉन्टेंट। गाड़ियाँ मेरे लिए एक लाइफ स्टाइल चॉइस नहीं बल्कि एक पैशन है, और अगर आप रेगुलरली ऐसा ऑटोमोटिव कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो मेक श्योर टू फॉलो एंड सब्सक्राइब टू द नाइटमेयर ऑटोस चैनल, बिकॉज यहां पर कंटेंट खत्म नहीं होता। तो ये देखें, पंप के बाहर ही देखें तो गाड़ियां एक से बढ़ के दूसरी खड़ी है। वो तो मेरा ख्याल है शरीकिंग की खड़ी है, शरी का मुझे इन्होंने कहा ज़्यादा जाना नहीं। रिम्स इसके फ़र्क हैं, देख लेते हैं। एनी वेज स्विफ्ट एक खड़ी है माशाल्लाह, एक ये पीछे ऑल्टो काफ़ी मज़े की मॉडल खड़ी है, उसके साथ एक और ऑल्टो बहुत हैवी बिल्कुल ड्रॉप टू द ग्राउंड, एंड एक ये भी हमारे साथ अकॉर्ड जाएगी। एक उधर वहाँ भी ऑल्टोज़ काफ़ी आज कटी हुई है माशाल्लाह। एक अभी ये सिविक आई है माशाल्लाह, यस बहुत खूबसूरत लग रही है। व्हील्स वगैरह देखें यार, ब्लैक एंड सिल्वर, बस कीपिंग इट सिंपल। जिस गाड़ी में बस दो कलर्स हों बड़ी खूबसूरत लगती है। और ये हमारे एक दोस्त हैं जो हमारे पिछले मीटअप पे बने थे माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत इनकी स्विफ्ट हैं। कार एंथूजियास्ट हर बंदा अपने तरीके से ट्राई करता रहता है। बाकी ये आपकी बोगीमैन खड़ी है एंड ये ब्रेकनेक्स हैं। एनीवेज बोगीमैन ही आपकी खड़ी है। आगे चलते हैं, देखते हैं गाड़ियाँ जहाँ पर वॉश हो रही हैं माशाल्लाह। एक ESI है लौंडों से भरी हुई, लौंडे लबाड़े भरे हुए। इसके अलावा अभी एक पीछे ईट्रॉन भी आई थी, वो चली गई है मेरे ख्याल, पार्किंग स्पॉट नहीं मिला। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ ये सारी अपनी रन के लिए आई हुई हैं। एंड ये पीछे से स्नीकीली निकल रही है, ये मैंने दिखानी थी, वन ऑफ द बिग रिवील्स जो मैंने बाद में करने थे। माशाल्लाह एक खूबसूरत किस्म की RX-8। एंड आगे आ जाओ, आगे तो ऐसी ऐसी चीज़ें खड़ी हैं कि यू कैंट इमेजिन, बड़ी बड़ी मज़ेदार चीज़ें खड़ी हैं। पहले तो इस सिटी की तरफ अपना फोकस करें, माशाल्लाह लाइट्स ही बहुत ख़तरनाक हैं इसकी। एंड व्हील्स की तरफ आ जाएं, फुल डीप डिश गोल्डन ऑन ब्लैक, बेहतरीन माहौल। एंड साथ ही इधर नज़र करें माशाल्लाह खूबसूरत R32 और पीछे हमारे लिए खोकर की गाड़ी खड़ी है। यार आज की मीट का मज़ा इधर पूरा हो गया। बाकी एक पीछे एक मर्सिडीज़ भी आई थी कन्वर्टेबल, वो पता नहीं कहाँ गई है, उसको ढूंढते हैं। बहरहाल उधर एक गैलेंट वॉश हो रही है आज माशाल्लाह, जो रोलिंग सीन्स होने हैं बहुत हैवी होने हैं। आपको पता है हमारी गाड़ी तो खास भागनी भूगनी नहीं है, हम साथ इनके कैचअप ही रखेंगे, ना ज़्यादा आगे निकलेंगे ना ज़्यादा पीछे जाएंगे, साथ साथ रहेंगे, इन सारी गाड़ियों को रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। एक अकॉर्ड खड़ी है, मर्सिडीज़ मेरा ख्याल है निकल गई है। यार बात यह है कि बहुत हैवी वाइब्स आज की मीट की बन रही हैं एंड इंशाल्लाह आपको साथ रखेंगे इसमें। यार एक वो R32 होगी और एक ये मज़्डा RX-8, यार इतनी माशाल्लाह क्लीन चीज़ है, जस्ट चेक इट आउट। एंड साथ ये भी एक बला खड़ी है। एनीवेज इसकी तरफ फोकस करो यार, फ्रॉम इट्स व्हील्स टू इट्स कलर स्कीम। यार अगली गाड़ी मुझे लग रहा है मुझे भी ब्लैक बनानी पड़नी है। आप लोग बताएं फिर पब्लिका के साथ क्या करें, ब्लैक बनाएं या ना बनाएं। चेक करें यार बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। आज मैं आपको यही बता रहा हूँ, बहुत रश है एंड हमारे इधर जो रोलिंग सीन्स है आज हमारे रोलिंग सीन्स भी इंशाल्लाह बहुत हैवी होने हैं, तो गाड़ियाँ बहुत कमाल कमाल आई हुई हैं, बहुत खूबसूरत है मेहरान, बहुत अखीर माशाल्लाह। चेक करें यार,
एस्थेटिक्स भाई ने बहुत कमाल के बनाए हैं। और हेडलाइट्स की तरफ आता हूँ, फुल टिंटेड ग्लास एंड हेडलाइट्स शायद आपको नज़र आए शायद ना आए। अंदर इसने बहुत खूबसूरत किस्म के प्रोजेक्टर्स लगाए हुए हैं, वो अभी नहीं नज़र आ रहे। एनीवेज इंशाल्लाह जब रोलिंग स्टार्ट होगी तब आपको ये भी दिखाऊंगा। बात पता क्या है मेरे बॉयज, बात ये है कि ये वाला व्लॉग मैं लिटरली इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे व्लॉग्स वाला बॉल दोबारा रोल करना स्टार्ट हो। बड़ी देर होगी ये व्लॉग नहीं अपलोड किया एंड मुझे दुख होता है। इवन इंस्टा के ऊपर मैं वो हो गया था, अब जैसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह विद टाइम करते हैं फ्लो अपना दोबारा सेट करते हैं, वीडियोज़ दोबारा डालनी स्टार्ट करते हैं। बोगी मैन की कंप्लीशन पे एक वीडियो बनानी थी यार, अब मेरा दिल कह रहा है इसमें एसी भी लगवा लूँ। अभी क्योंकि मौसम अच्छा था तो मैं शीशे बंद करके चलाते हुए आया हूँ सारे रास्ते। यकीन करो बड़ा मज़ा आया, बड़ा सुकून आया, तो वही सुकून मुझे चाहिए। तो इंशाल्लाह एसी भी इसका ऑन करा लेंगे। बोगी मैन वैसे तो हर लिहाज से अब कम्प्लीट है एंड वेरी सून आई एम गोना स्टार्ट मार्केटिंग इट। इसको प्रॉपर तरीके से मार्केट करके बेचना है। इसकी जो इस गाड़ी की जो वैल्यू है, जो सेंटिमेंटल वैल्यू है, जो मॉनेटरी वैल्यू है, उसके हिसाब से इंशाल्लाह बेचनी है। तो इफ़ एनी ऑफ यू वांट टू गिव एन ऑफ़र फॉर द कार, कर दें। आपको तो पता है मेरा माइंड किधर है, तो उसी हिसाब से ऑफ़र कर दें तो देख लेंगे। अगर तो आप सीरियस हैं तो इंशाल्लाह कोई डील भी हो जाएगी, बट फिलहाल मीट सीन्स एंजॉय करते हैं। कार वॉश के लिए कतार लगी हुई है, एग्जॉस्ट के साउंड्स भरपूर आ रहे हैं, बाइक्स भी कार्स भी सारी यानी मेरा ख्याल है निकल रहे हैं, अब रोल करने लगे हैं। बहुत ख़तरनाक, वो देखें पीछे से आई बाइक्स माशाल्लाह। तो गाड़ियों ने तो लेवल उठाया ही हुआ है, बाइकर गैंग भी एक आ गया, दो बाइक्स ही हैं बट बहुत हैवी बाइक्स माशाल्लाह। तो ये है कि मौसम अच्छा था तो इस वजह से सारे बॉयज़ आ गए हैं, वो माशाल्लाह। एक नॉर्मली मुझे सिविक्स इतना पसंद नहीं आती, बट ये जो इन्होंने अब रिसेंट स्टाइल बनाना स्टार्ट किया है ना विद ओवरसाइज्ड व्हील्स एंड यार फोक फिनिश में नहीं है, स्ट्रेट व्हील्स, बहुत खूबसूरत यार ये वाइब, बहुत हैवी लगने लग गई है। ओ एयर सस्पेंशन की तो गेम पे एयर सस्पेंशन वाली होती है माशाल्लाह। तो मेहरान स्टार्ट हुई है, इनसे इनकी हेडलाइट के बारे में पूछते हैं। यार हेडलाइट्स तो ऑन करना बड़ी खूबसूरत है, मैं सुबह कैमरा में आ गया माशाल्लाह। ये देखें दया तो आपको प्रोजेक्टर सीन किया हुआ, वैसे DIY सीन लग रहा है, खुद ही प्रोजेक्टर के ऊपर रिंग बनाया हुआ है मेरा ख्याल है ये भाई माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहा है। सीन्स हैवी हो रहे हैं, अभी एक बाइक हैवी वाले पटाखे मार के गई है, वैसे गई नहीं मेरे ख्याल खड़ी है एंड गाड़ियाँ गर्म हो रही हैं, चल पड़े लोग। इंशाल्लाह सून रोलिंग सीन्स आपको दिखाएंगे। अभी आहिस्ता 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 माहौल सेट हो रहा है यहाँ का। बोगी मैन स्टेट एंड प्रिटी एज ऑलवेज। तो आई हैड माई डाउट्स बट द डाउट्स वर राइट। ये गाड़ी शेरी किंग की है लेकिन मौज भाई लाए हुए हैं गाड़ी माशाल्लाह। इन्होंने रिम्स चेंज किए हैं तो ज़रा लुक भी इम्प्रूव लग रही है, वरना तो थोड़ी सी गाड़ी ऊंची ऊंची ज़्यादा लग रही थी। अभी इन रिम्स से बहुत फिट लग रही है, थोड़ी सी ड्रॉप ऑब्वियसली इन्होंने करनी है, ऑयल ओवर्स का ही मूड है, बट ऑब्वियसली यार कार का इसका बजट बनता तो कर सकते हैं कुछ। हम मेरा ही आपके सामने है, जैसे जैसे बजट बना गाड़ी तैयार हुई है। तो कैमरा तो अब मैंने बंद नहीं करना क्योंकि मैंने पटाखे भी मिस कर दिए, मैंने रेव बैटल छोटा सा मिस किया, तो कोई नहीं और नहीं इंशाल्लाह कुछ मिस करते। आपको सिविक दिखाते हैं यार, दूर से तो आपको पता नहीं चला होना जब बेयर अपनी रिलीज़ कर रही थी, ड्रॉप हो रही थी, पास जाके दिखाते हैं माशाल्लाह। खूबसूरत तरीके से क्या करें, बहुत कमाल माशाल्लाह। अच्छा तो मुझे पता नहीं था, अपेरेंटली ये काशिर किंग की गाड़ी है। ये बॉडी गेट्स अभी ये तला भाई से लगवा के गए हैं जिनसे अभी हम भी काम करा रहे हैं एंड वो काशिर भाई खड़े हैं, सिस्टम्स तो ऑन है तो गुड है। काशिर भाई के साथ भी आज हमारी मीट एंड ग्रीट हो जाएगी, देखते हैं क्या बनता है। सिविक तो माशाल्लाह बहुत प्यारी रखी हुई है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो यानी अखीर कर दी है। देखो यार, तो बात यह कि अभी मिला हूँ काशिर भाई से, गपशप लगाई है एंड आई एम वेरी सरप्राइज, इज अ वेरी हम्बल गाय इन पर्सन, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। एंड क्योंकि काशिर भाई से कोई एक म्यूचुअल फ्रेंड भी हमारा है तो इस वजह से थोड़ा बेहतर सीन था। अभी उन्हें अपनी गाड़ी दिखाते हैं, देखते हैं क्या सिस्टम है। तो अभी तक तो फिट है, चल सीन है, गाड़ियाँ रेडी हैं निकलने के लिए एंड अभी
काशिफ भाई अपने दोस्तों के साथ हैं, तो थोड़ा उसके बाद इंशाल्लाह करते हैं सिस्टम। ठीक है, रिबॉन आई है बड़ी खूबसूरत सी, लेट मी शो यू द कार, बड़ी फिट है माशाल्लाह, चेक इट आउट यार। म्यूगन के स्पॉइलर के साथ यार बहुत हैवी वाइब्स होती हैं, एंड RX 8 भी निकल रही है यार, क्या बुला है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। जायज़ 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 बनता है इस बंदे का। एक 5 सीरीज़ आई है बड़ी खूबसूरत, एक मेरे दोस्त को बीमर्स बहुत पसंद है, उसे ख़ास इसकी तस्वीर भेजेंगे। तो बाकी काशिफ भाई की गाड़ी की तरफ एक और नज़र करते हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत यार, ऑनेस्टली मज़ा आ रहा है इसका। जहाँ बिग गेम्स हो ही रही थी वहाँ पर एक बिग गेम ये भी हो गई, माशाल्लाह अनस गौर भाई आए हैं ऑन हिज लेजेंडरी जेजी X90, माशाल्लाह चेक इट आउट यार। लास्ट टाइम तो हमें नहीं पता था 4K के मीट पे, इस दफ़ा हमें पता है अनस भाई की गेम्स बहुत हैवी हैं, अनस भाई से भी मिलते हैं तो कहते हैं कि अब सब को थोड़ी बहुत माशाल्लाह बहुत कमाल। गाड़ियाँ निकल रही हैं, रोल सीन्स ऑन है, तो आई गेस उसी चक्कर में अनस गौर साहब ने भी अपनी गाड़ी निकाल ली है। अब मैं इस कश्मकश में हूँ कि यार फ्यूल डलवाया जाए या गाड़ी निकाली जाए, फिलहाल मेरा ख्याल है गाड़ी निकालना ही अकलमंदी का जो है सबूत है, तो मैं भी गाड़ी निकालने लगा हूँ। तो थोड़े बहुत रोल सीन्स आपको दिखाते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर बाद में मुलाकात होती है एक दफ़ा रोलिंग सीन्स ख़त्म होते हैं तो माशाल्लाह। ये हुई ना बात, क्या बात है, वाह फुल JDM वाइब्स यार। एक गाड़ियाँ असेंबल हो रही हैं एंड नाउ वी आर गोना लीव मोस्ट प्रोबेबली, वो पीछे उमेर भाई आ रहे हैं इज लवली चेसर, खैर निकलते हैं अब माशाल्लाह, बहुत वाइब्स अभी होगी, बहुत वाइब्स अभी होगी। अच्छा यार इस पॉइंट पे आपको रोलिंग शॉट्स मिल रहे होने चाहिए थे, इन हाइंड साइड मैंने बहुत बड़ी बोंगी मारी है। लेकिन यार हुआ कुछ इस तरह था कि शेरी किंग की जो A92 थी वो उधर ही खड़ी थी, एंड ये जो कार्स थी ये GTR अनस भाई की गाड़ी एंड 4-5 और गाड़ियाँ, ये लोग इकट्ठे हुए और चल पड़े। मुझे लगा ये लोग जा रहे हैं फॉर रन, क्योंकि वहाँ से अक्सर लोग इसी तरह करते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं रन लगा के वापस आ जाते हैं। और एक दफ़ा पहले ऐसा हो चुका था कि मैं गाड़ी स्टार्ट करके वापस खड़ी कर चुका था, तो मैं नहीं चाह रहा था एवं मेरी पार्किंग स्पॉट भी चली जाए और फिर मुझे पता ही ना चले ये लोग कब गए। ये लोग निकल पड़े थे रिंग रोड के क्रूज़ के लिए और मैं उधर खड़ा इंतज़ार करता रहा ये रन से वापस कब आ रहे हैं, तो वो कुछ मिस कम्युनिकेशन हो गई जिस चक्कर में मैं फिर पीछे रह गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम चौकस रहेगा आपका भाई, ये बोंगी नहीं मारेगा। बट चलो बाकी का व्लॉग देख लो फिर क्या बनता है। तो सीन्स कुछ ये थे कि उधर से निकलते निकलते गाड़ियों ने करना स्टार्ट की थी हरकतें, एंड कुछ थोड़ा सा मैंने भी मिसजज कर लिया था, तो कुछ ये हुआ कि टीम 4K के बॉयज़ निकले एंड पीछे कुछ गाड़ियाँ रुक गई थी, एंड जैसे आपको पता है मोस्ट कार मीट्स का सीन है पुलिस का आना जाना लगा रहता, तो पंप के ऊपर पुलिस आई एंड जो कार शोर वगैरह कर रही थी उनको पकड़ के ले गई। अब टीम 4K वगैरह और कुछ बॉयज़ को पहले पता चल गई ये बातें, तो वो लोग निकल गए। तो क्रू सीन्स उस तरह तो मैं आपको शायद ना दिखा सकूँ, इधर कुछ बॉयज़ खड़े हैं, एक बड़ी फिट AMG खड़ी है, दो होंडास खड़ी हैं, एक एक्स एक रिबॉन, तो उनके साथ थोड़ा बहुत क्रू सीन आपको दिखा देंगे, उसके बाद मैं उतर जाऊँगा, थोड़ा सा हमारा सीन ऑफ हो गया। बेसिकली आज के ब्लॉग का मकसद था ब्लॉग डालना, तो खैर अगर तो मज़ा आया ब्लॉग का तो गिव इट अ थम्स अप। इसके बाद कोई थोड़ा बहुत क्रूजिंग सीन्स रिकॉर्ड करूँगा एंड समझें इस पॉइंट पे वीडियो एंड है। अगर तो मज़ा आया तो कमेंट्स में बताओ यार, बाकी मेरी शक्ल देख के कैसा लग रहा है। इंशाल्लाह अब से रेगुलर व्लॉग्स मैंने डाला करने हैं, एंड फिर विद ऑल दैट सेड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।